सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में फैसला कर लिया है इस बात का अरमान ने कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अभीरा प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करेगी। अरमान ने इस बात का फैसला कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अभीरा का बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। अरमान के लिए ये फैसला लेना आसान नहीं है लेकिन वो इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि अगर अभीरा ने ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू की तो वो अभीरा को हमेशा के लिए खो देगा और अरमान बच्चे की खातिर अभीरा को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है। अब इन सबके बीच सीरियल के आगे आने वाले एपिसोड में चारों को लेकर सीरियल की कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। वेल, अभीरा के सामने चारों की प्रेगनेंसी का सच आने वाला है। जी हाँ, शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे चारू किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आएगी और यहाँ पर अभीरा को समझ में आएगा कि चारू जरूर कुछ ना कुछ तो छिपा रही है। इन्हीं सब के बीच आप देखेंगे अभीरा के हाथ चारू की रिपोर्ट्स लगने वाली है और चारू को लेकर ये सच सामने आएगा कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन ये क्या, चारू की कोख में जो बच्चा है वो दरअसल देव शेखावत का है। जी हाँ, परिवार वालों की नजरों से छुपकर देव शेखावत और चारू एक दूसरे से मिलते रहे। परिवार वालों को बिना बताए देव शेखावत और चारू ने अपना प्यार यूं ही जारी रखा और उसी प्यार का फल है कि आज चारू प्रेग्नेंट है। और तो और, अब आप सोच रहे होंगे कि चारू इस बच्चे के साथ शादी के लिए तैयार कैसे हुई। तो भाई हुआ कुछ ऐसा है कि जब चारू ने देव शेखावत से शादी करने के लिए कहा तो देव शेखावत इस शादी से बैकआउट कर गया। ऐसे में चारू के पास कोई और रास्ता नहीं बचा, इसलिए वो शादी करने के लिए नीरज से तैयार हो गई। अब सीरियल की कहानी कौन से इंटरेस्टिंग मोड़ पर जाती है देखना होगा।